हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन बडी। द टॉपिक इज नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज नेटवर्क? अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में वायर्ड या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं और वो कंप्यूटर्स आपस में कोई रिसोर्स शेयर करते हैं या कोई फाइल एक्सचेंज करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, देन वी कैन से कि हमने एक स्मॉल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। तो जब हम दो कंप्यूटर्स को एक केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसे पीयर टू पीयर कनेक्शन बोलते हैं। इसमें हम कोई हायरार्की नहीं फॉलो करते। एंड द सेकंड इज क्लाइंट सर्वर कनेक्शन। इसमें हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता है और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और वो सेंट्रल सर्वर उन क्लाइंट कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। हम नेटवर्क को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी के बेस पर डिफाइन करेंगे तो वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। जनरली हम नेटवर्क को एरिया के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। एरिया के बेसिस पर हमारे पास तीन टाइप्स का नेटवर्क है, लैन, मैन एंड वैन। यूजली हम कहते हैं कि अगर नेटवर्क किसी छोटे एरिया में है, लाइक किसी बिल्डिंग या ऑफिस में है, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे घर पर मेरा एक कंप्यूटर रखा हुआ है दिल्ली में और उस कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट किया है मेरे दूसरे कंप्यूटर से जो कि मुंबई में है, अगर मैं अपने दिल्ली वाले कंप्यूटर से मुंबई वाले कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी चाहता हूँ और इसमें मैंने अपना ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया है वायर, कोई वायर यूज़ करके मैंने दिल्ली से मुंबई तक वायर लगाई हुई है, उसके थ्रू सेंड करनी चाहता हूँ, तो इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा हमारे पास? आप सोच रहे होंगे कि वैन, बट इसमें वैन नहीं यूज़ होगा, इसमें लैन यूज़ होगा। इसको और सिंपलीफाई करते हैं आगे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक लैपटॉप मेरे पास है और दूसरा लैपटॉप भी बिल्कुल मेरे पास ही रखा हुआ है एक ही रूम में, और मेरा एक दोस्त उस लैपटॉप को यूज़ कर रहा है। इवन कि हम एक दूसरे से ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट हम फेसबुक के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मींस जो हमारा एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। सो व्हाट वी थिंक, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा लैन होगा या फिर मैन होगा। मैन भी हमारा समहाउ लैन की तरह ही होता है। पहले हमें लैन और वैन में डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी दो कंप्यूटर चाहे एक ही कमरे में रखे हुए हैं और चाहे दिल्ली और मुंबई में रखे हुए हैं, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं वाया द इंटरनेट तो हम कहेंगे कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है। और वी कैन से कि अगर कोई भी दो कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो 1 मीटर की दूरी पर हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होगा। सिमिलरली अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं पर उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, अगर दिल्ली से मुंबई के बीच में दोनों कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें हम कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं लाइक ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर, तो उसमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो वी कैन से कि ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। जनरली हम बुक्स में लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। ये जो बुकिश डेफिनेशन है ये भी सही है, पर इसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो हमें नहीं पता। किताबों में ये बात इसलिए कही है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के बेस पर हम समझ सकते हैं कि हम दिल्ली से मुंबई कम्युनिकेट करने के लिए, हम दिल्ली से मुंबई दो लोगों की बात कराने के लिए वायर का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर कहा गया है कि लैन छोटे एरिया का नेटवर्क होगा और जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो हमारा इंटरनेट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि कंट्रीज में फैला हुआ होता है। अगर
हमें कहा जाए कि एक रूम के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करके दिखाओ, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं अपने कंप्यूटर से अपने साथ बैठे दोस्त के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करूं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह हम एक रूम के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, दैट इज मैन, तो ये लैन का ही बनाया हुआ है। लैन को जब बड़ा कर देते हैं या एक ही सिटी के अंदर 4 से 5 ऑफिसेज के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ भी अगर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। लैन में हम बेसिकली एक बिल्डिंग की बात करते थे, मैन में बस इसका दायरा बड़ा हो जाता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बन गया है। अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, तो लैन की स्पीड सबसे फास्ट होती है। अगर मिनिमम स्पीड की बात की जाए तो वैन की स्पीड सबसे मिनिमम होती है। और मोस्ट सिक्योर नेटवर्क भी हमारा लैन होगा। जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो डिफरेंट राउटर्स या फिर डिफरेंट जगहों से होकर आता है, तो इसीलिए वैन लेस सिक्योर है, सिक्योरिटीज इशू क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम बात करें मैन की, तो उसमें हर चीज़ मॉडरेट होगी, डाटा ट्रांसफर रेट भी मॉडरेट होगा। और वैन में हम ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।